गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करा दिया था, आज मैं आपको उसके आगे के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सोच कर बताइए। आपको यह प्रश्न सोच कर बताना है। और आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? नीम किस प्रकार हवा को शुद्ध करता है? नीम किस प्रकार हवा को शुद्ध करता है? तो बताइए मुझे, नीम किस प्रकार हवा को शुद्ध करता है? बोलिए, नीम किस प्रकार हवा को शुद्ध करता है? यह है आपका क्वेश्चन, आपको इसका आंसर लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, नीम सूरज की किरणों से मिलकर हवा को शुद्ध करता है। नीम सूरज की किरणों से मिलकर हवा को शुद्ध करता है, ठीक। क्वेश्चन क्या है? नीम किस प्रकार हवा को शुद्ध करता है? आंसर होगा इसका नीम, क्या होगा इसका आंसर? नीम सूरज की किरणों से मिलकर हवा को शुद्ध करता है। फिर से बोलिए, नीम सूरज की किरणों से मिलकर हवा को शुद्ध करता है, ठीक। समझ में आ गया आपको इसका आंसर? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। आपको क्या करना है? कविता की पंक्तियाँ को पूरी करना है। देखिए क्या होगी इस कविता की पूरी पंक्तियाँ। नामे, कौन सी है ये? नामे डॉक्टर, नामे ओझा, नामे वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। यही तो है ना आपकी पोएम, तो बस आपको इसे फिल करना है। नामे डॉक्टर, तो यहाँ पर लिखिए डॉक्टर। फिर नामे ओझा, तो लिखिए यहाँ पर ओझा। अब पता है ना ओझा क्या होता है? जो झाड़ा लगाता है, ठीक, झाड़ा लगाकर ठीक किया जाने वाली बीमारी को हम बोलते हैं ओझा। नामे वैद्य हकीम, यहाँ पर लिखिए वैद्य हकीम। फिर मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, ठीक। एक बार फिर से बोलिए, नामे डॉक्टर, नामे ओझा, नामे वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। आपको ये पोएम पूरी लर्न है ना? जिस भी बच्चे को ये पूरी पोएम लर्न नहीं है, वो पहले पूरी पोएम अच्छे से लर्न करे, ठीक। एक बार और बोलिए, नामे डॉक्टर, नामे ओझा, नामे वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, ठीक। आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? दिए गए पंक्तियों के अर्थ लिखिए। तो आपके पास एक और स्टैंजा है पोइम का, क्या है? मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। तो अब आप इसका अर्थ क्या लिखोगे? देखिए, नीम की सूखी पत्ती डालने से, कहाँ पर डालने से? ऊनी कपड़ों में और अनाज में। तो अगर हम नीम की पत्ती ऊनी कपड़े और अनाज में डालते हैं तो वो हमारा खराब नहीं होता है, ठीक। नीम की पत्ती से हमारे ऊनी कपड़े और अनाज खराब नहीं होते हैं, और नीम की सूखी पत्ती के धुएं से हम मक्खी मच्छर को भी दूर भगा सकते हैं। तो अब आप लिखोगे कैसे इसको? देखिए, नीम की सूखी पत्ती ऊनी कपड़े और अनाज में डालेंगे,
तो आपके ऊनी कपड़े और अनाज खराब नहीं होंगे। इतना लिख लोगे? फिर नीम की सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर भी दूर भाग जाएंगे। ठीक, एक बार फिर से बोलती हूँ, नीम की सूखी पत्ती ऊनी कपड़े और अनाज में डालेंगे तो ऊनी कपड़े और अनाज खराब नहीं होंगे, और नीम की सूखी पत्ती के धुएं से हम मक्खी मच्छर को भी दूर भगा सकते हैं। लिख लेंगे अब आप इसका अर्थ अच्छे से, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो अब हमारी चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को। ओके बच्चों, तो करते हैं सॉल्व। तो बच्चों देखिए, ये है आपका लैंग्वेज स्किल का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए, यानी आपको लिखने हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक, जैसे हकीम, तो हकीम के समान तुक वाले शब्द क्या होंगे? बोलो, रहीम, फहीम। ठीक, हकीम के समान तुक वाले शब्द क्या होंगे? रहीम, फहीम। देखिए, समान तुक वाले शब्द का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा लास्ट का वर्ड सेम आ रहा हो। ठीक, लास्ट का वर्ड या फिर लास्ट से भी सेकेंड वर्ड, ठीक, ये सारे वर्ड आपके सेम आने चाहिए। हकीम का समान तुक शब्द है रहीम, फहीम। ओके बच्चों, आप कोई भी लिख सकते हो, यहाँ पर हकीम का वैसे समान तुक शब्द है रहीम, फहीम। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेकंड वर्ड है आपका जाओ, तो जाओ के राइमिंग वर्ड तो काफ़ी सारे हैं, जैसे आओ, खाओ। ठीक, आप क्या लिखोगे? जाओ के राइमिंग वर्ड्स क्या लिखोगे? आओ, खाओ। जाओ के समानतुक शब्द क्या होंगे? आओ, खाओ। नेक्स्ट देखिए फूल, फूल का राइमिंग वर्ड क्या होगा? भूल, झूल। क्या होगा? भूल, झूल। ऐसे ही शुद्ध का राइमिंग वर्ड क्या होगा? युद्ध, गिद्ध। शुद्ध, युद्ध, गिद्ध। ठीक, कहानी का राइमिंग वर्ड्स क्या होंगे? सयानी, नानी। सयानी, नानी। ऐसे ही तेल का राइमिंग वर्ड क्या होगा? सेल, खेल। तेल का राइमिंग वर्ड्स क्या है? सेल, सेल लगती है ना वो वाली, और खेल। ठीक, जाओ, आओ, खाओ, फूल, भूल, झूल, शुद्ध, युद्ध, गिद्ध, कहानी, सयानी, नानी, तेल, सेल, खेल। तो आपको ये समझ में आ गए? तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एंड लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको करना है। तो आपको क्या क्या काम करना है? आपको चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और लैंग्वेज स्किल का क्वेश्चन नंबर 1 आपको गुड हैंडराइटिंग के साथ अपनी नोटबुक पे करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।